नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है असद को लेकर। एनकाउंटर के बाद में जहां पर असद को दफनाने की तैयारियां चल रही है, उसकी कब्र खोद ली गई है, तो दूसरी ओर पूछताछ हो रही है अतीक अहमद से। और इस पूछताछ में एक बार फिर से अतीक का एक बयान सामने आया है, जिसमें अतीक अहमद ने कहा है कि असद की कोई गलती नहीं थी, अब तो हम मिट्टी में मिल गए हैं। लेकिन इसके अलावा शाइस्ता परवीन को लेकर भी, जो कि पत्नी है अतीक की और असद की माँ है, उसे लेकर भी लगातार अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि शाइस्ता जो है वो तड़प रही है आखिरी बार असद का चेहरा देखने के लिए, क्योंकि शाइस्ता एक माँ भी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि एक माँ होते हुए उसने क्राइम की दुनिया में अपने बच्चे को कैसे जाने दिया। लेकिन जो भी है, अब शाइस्ता को लेकर लगातार जो अपडेट आ रही है उसमें दो बातें आ रही हैं। पहली बात यह आ रही है कि शाइस्ता जो है वो घर पहुंच सकती है बुरके में, जब असद का शव जो है घर पहुंचेगा। इसके लिए इलाके में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि पुलिस ने खुफिया रणनीति बना रखी है शाइस्ता को गिरफ्तार करने के लिए। रणनीति हम आपको नहीं बता रहे, वरना कई लोग कहेंगे कि पुलिस के सारे प्लान्स आप बता दो। खैर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उस बुरके वाली महिला को लेकर, जिसमें जिसका जिक्र हो रहा है कि अतीक अहमद की जब सुनवाई कोर्ट के दौरान हुई तो एक रहस्यमयी महिला बुरके में नजर आई, और उसके अलावा काले कोट में वकीलों की ड्रेस में भी कई सारे लोग जो हैं वो समय समय पर देखे गए हैं। वो क्या है पूरा मामला वो बताते हैं। तो ये है महिला, सांकेतिक तस्वीर है। हालांकि इस तरीके की स्थिति में एक महिला जो है, आपको बता दें ये सांकेतिक तस्वीर है, इस तरह से एक महिला जो है वो देखी गई है। राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में जब सुनवाई हो रही थी, तो इस दौरान यूपी पुलिस ने माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट में पेशी के दौरान ऊपरी मंजिल पर, बताया जा रहा है ऊपरी मंजिल पर एक महिला लगातार झांकती दिखी। ऐसे में अब इस महिला को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर काला नकाब पहने ये महिला कौन थी। और अतीक की सुनवाई के दौरान लगातार अब इस चीज की चर्चा हो रही है कि आखिर काले लिबास में महिला थी कौन। चूंकि महिला बुरके में थी, महिला थी, इसलिए चीजें जो है वो साफ नहीं हो पाई। लेकिन अब उस रहस्यमय महिला की चर्चा हो रही है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि 28 मार्च को एमपीएमएल कोर्ट प्रयागराज में कार्रवाई के दौरान वकीलों के बीच भी काले कोट पहने कुछ लोगों ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था। काले कोट में वकीलों के बीच बैठे ये लोग सुनवाई के दौरान किसी को बार बार मैसेज भेजकर अपडेट दे रहे थे। बाकी वकीलों ने जब सवाल उठाया तो उसके बाद ये सभी वहां से उठकर चले गए थे। इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि सजा सुनाने के बाद ये काले पोशाक वाले सभी लोग दोषियों के साथ ही उनके वाहनों के पीछे पीछे चल दिए थे। लेकिन बड़ी बात जो ये है कि सुनवाई के बीच में इस तरीके से, पूरी सुरक्षा के बीच में इनका बार बार इस तरीके से नजर आना, रहस्यमय तौर पर काले कपड़ों में अनजान चेहरों का कोर्ट में और कोर्ट के आसपास के परिसर में मौजूद होना, कई तरह के सवालों को अब जन्म दे रहा है। उधर दूसरी ओर अतीक अहमद का जो छोटा बेटा है, जिसे छोटे कहकर भी बुलाता था अतीक अहमद, असद अहमद, उसका एनकाउंटर होने के बाद में अब उसके शव को दफनाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। हालांकि गुलाम का शव जो है उसका शव लेने से परिवार ने इनकार कर दिया है। तो इस तरह की खबरें भी लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर ये अपडेट है कि काले कपड़ों में अतीक के आसपास रहस्यमय चेहरे कौन हैं, और कौन है वो महिला जो बार बार इस तरीके से बुरके में नजर आती है, क्या वो शाइस्ता है या कोई और, ये सब चीज़ें जो हैं वो बाद में निकलकर सामने आएंगे। लेकिन यूपी पुलिस या स्पेशल टीम जो है उसने भी अपनी तैयारी कर ली है कि अगर शाइस्ता जो है वो आसपास भी नजर आती है तो उसे धर दबोचने का काम कैसे किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।